वीडियो में मैं आपको जीनर डायोड के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके सिंबल से शुरुआत करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ये लगभग लगभग नॉर्मल डायोड के जैसा ही होता है, बस यहाँ पर जो इसके किनारे हैं वहाँ पर एक हल्का सा बाहर की तरफ ऐसे मोड़ दिया जाता है इसको, तो ये जीनर डायोड का सिंबल बन जाता है। अब हम बात करते हैं जीनर डायोड के प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये क्या इसमें डिफरेंट है नॉर्मल डायोड से। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है, यानी कि ये एक विशेष काम के लिए बनाया जाता है। इसको हम जब ऑपरेट करते हैं तो रिवर्स बायस में, ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं, यानी कि ये रिवर्स बायस मोड में ब्रेकडाउन जब हो जाता है तो वहाँ पर इसका हम ऑपरेट करते हैं, या वहाँ पर ये काम में आता है। अब हम बात करते हैं इसके रिवर्स बायस के बारे में। तो इसको हम जब कनेक्ट करते हैं तो ये जो वाला जो पार्ट है कैथोड, उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और ये वाला जो पार्ट है उसको रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये रिवर्स बायस में यहाँ पर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज होता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ये यूज होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो डायोड है उसके जो अक्रॉस में वोल्टेज है यहाँ पर, वो कांस्टेंट रहता है। भले ही करंट आपकी फ्लो हो रही है, उसमें चेंज हो रही है, लेकिन वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज में लिया जाता है। हेवीली डोपिंग, इसको क्या, जब बनाया जाता है तो जो इसके पी और एन साइड्स होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी और एन, इनको बहुत ज़्यादा हेवीली डॉप्ड किया जाता है। यानी कि जब इसको बनाया जाता है तो इसमें अशुद्धियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर जब होल ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा कि जो इसकी रीजन, ये लेयर है डिप्लीशन रीजन, वो बहुत छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बहुत थिन हो जाएगा। तो इसका जो रीजन होता है वो 10^-6 मीटर से कम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पर वो 5×10^6 वोल्ट पर मीटर होता है। अब हम बात करते हैं इसके वोल्टेज के वेरी करने के साथ साथ इस पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर एक बैटरी है और ये जीनर डायोड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज को जीरो से धीरे 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 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस ग्राफ में, जब हम वोल्टेज को यहाँ से जीरो से इस साइड पर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब थोड़ा सा वोल्टेज है तो करंट भी बहुत कम है। हमने और बढ़ाया वोल्टेज, यहाँ तक ले आए, फिर भी करंट लगभग उतनी ही है, बहुत ही कम। यहाँ पर आ गए हम बढ़ाते, फिर भी देख लीजिए करंट बहुत कम है। यहाँ पर आए तो हल्का सा चेंज हुआ है, लेकिन बहुत कम चेंज हुआ है। V=VZ पर आ गए हम। अब जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, वो जीनर वोल्टेज के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एकदम से कितना चेंज आ गया है करंट में। और जब हम वोल्टेज को VZ से ज़्यादा कर देंगे, तब तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि करंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि इसका जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो गया है VZ से ज़्यादा वोल्टेज करने पर। तो ब्रेकडाउन होने से क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहाँ पर थे वो बहुत ही तेज़ी से इस साइड में, होल्स इस साइड में और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर एकदम हाई करंट का, पहले तो बहुत कम करंट थी, लेकिन जैसे ही V=VZ से ज़्यादा किया, बहुत ही तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन होल्स फ्लो होना स्टार्ट होंगे और बहुत ही तेज मात्रा में करंट बहना चालू हो जाएगी। तो वहीं पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं इस ग्राफ में, कि जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं
वोल्टेज हम और बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो करंट है सिर्फ वही बढ़ रही है। जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर वीजेड कांस्टेंट है, वीजेड नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लें, वोल्टेज जो है जीनर डायोड के अक्रॉस वो उतना ही रहेगा, वीजेड ही रहेगा। यानी कि इसका उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 10 वोल्ट जो है वो जीनर डायोड जीनर वोल्टेज है, यानी कि ये 10 वोल्ट इसके अक्रॉस में रहेगा, 10 वोल्ट पर ये ब्रेकडाउन होगा। तो काम क्या करता है ये रेगुलेटर वो देखिए थोड़ा। यहाँ पर अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज मतलब होता है ये कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो ये 12 नहीं है कांस्टेंट, 12 से 12.1 हो रहा है, कभी 11.9 हो रहा है, कभी 12.3 हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है ये। तो हम क्या चाहते हैं कि हमको कांस्टेंट मिले, हमको तो 12 वोल्ट मिले या फिर 10 वोल्ट मिले। तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा के जीनर डायोड को रिवर्स बायस में लगा देंगे और इसके अक्रॉस में एक लोड लगा देंगे जहां पर हम आउटपुट लेंगे। तो अब ये क्या होगा कि जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो 10 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा होगा ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो RS है यहाँ पर एक ड्रॉप आ जाएगा करंट के चलते, IRS। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट बनाए रहेगा, यानी कि हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो 10 वोल्ट मिलेगा ऐसा कांस्टेंट। अब ये थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर ये V है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इनपुट में, और ये जो ISRS है वो एक्चुअली ड्रॉप है जो कि रेजिस्टेंस के वहाँ पर हो रहा है। अब मान लीजिए ये 12 वोल्ट इनपुट दिया हमने, तो ये जो करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप है वो 2 वोल्ट होता है, तो हमको आउटपुट में यहाँ पर 12 - 2 = 10 यहाँ पर मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको कम कर देंगे। तो कम करने पे भी उतना ही रहना चाहिए क्योंकि जीनर डायोड के अक्रॉस तो वोल्टेज सेम ही रहता है। तो कम जैसे ही करेंगे तो V कम हो गया तो करंट भी कम हो जाएगी, तो ISRS भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर 12 से 11 हुआ, ये जो ड्रॉप था ISRS 2 से 1 हो गया, तो हमको वापस 10 वोल्ट मिल गया। तो इस तरह से इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जाता है ताकि हमको आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।